गोल गोल गोलू, लेखन चित्रांकन और अनुवाद जगदीश जोशी, प्रकाशन प्रथम बुक्स। जी हाँ, मैं गोल गोल गोलू हूँ। मैं हूँ बड़ा सुंदर, हर एक मुझसे प्यार करता है। आप मुझे कहीं भी और कभी भी देख सकते हैं। सूर्य भी मेरे जैसा है। जब धूप बहुत तेज होती है, आपको छाते की याद आती है? छाता कैसा होता है? आधा गोल। रात को काले आसमान में मुस्कुराता चांद भी मेरा रूप है। पेड़ पर बैठे उल्लू की चमकीली आंखें भी मेरे जैसी हैं। मुझे फलों ने भी अपनाया है। तरबूज, सेब, संतरे, टमाटर और छोटा सा नींबू सब के सब मेरे जैसे हैं। मीठी मीठी मिठाइयां, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, इमरती, तरह तरह के लड्डू मेरे जैसे दिखते हैं। चीता, हिरण, अनेक तरह की तितलियों और कीड़ों को भी मैंने सजाया है। खेल के मैदान में भी मैं आपको मिलूंगा। गेंद को आप दौड़कर पकड़ते हैं, जोर से दूर फेंकते हैं, पर मुझे बुरा नहीं लगता। खेल तो खेल है। यहाँ सब खुश हैं और मुझे भी बहुत खुशी होती है। तरह तरह के वाहन मेरे बिना चल नहीं सकते। सबको मेरी जरूरत है। किंतु एक जगह है जहां आप मुझे देखकर खुश नहीं होते। रिपोर्ट कार्ड पर मैं दिखूं तो आप दुखी हो जाते हैं। दोस्तों, मुझे दुख है, पर मैं क्या कर सकता हूं? इस दुख को मुस्कान में बदलने के लिए तो आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। जैसा कि अभी आप लोगों ने डेमो वीडियो में देखा, स्टोरी वीडियो, अगर आप भी उस तरह के अपने बच्चों के लिए स्टोरी वीडियो बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो देखने के बाद आप रैली में आप उस तरह के वीडियो बनाने में सक्षम हो जाएंगे। ठीक है, बहुत मैं इजी तरीके से बताऊंगा, आप आराम से उस तरह के वीडियो बना पाएंगे। आप चाहे तो अगर आपके पास लैपटॉप मोबाइल है तो उससे भी बना पाएंगे, अगर आपके पास मोबाइल है तो आप उससे भी बना पाएंगे। ठीक है, तो लैपटॉप से तो मैं बना के बताऊंगा ही, लेकिन मैं मोबाइल से सिर्फ आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि अगर आप कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डर आप डाउनलोड कर लेते हैं अपने मोबाइल में, यानी स्क्रीन रिकॉर्डर मतलब उस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए, स्क्रीन रिकॉर्ड करने के लिए, और दूसरा जो है आपके पास होना चाहिए उस, फिर आप जो वीडियो बनाएंगे उसको एडिटिंग करने के लिए काइनमास्टर या पावर डायरेक्टर आपके मोबाइल में होना ज़रूरी है। अगर आप लैपटॉप से बनाते हैं तो आप कोई भी जो है स्क्रीन रिकॉर्डर और एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, फिल्मोरा जो है, कैमटेसिया यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कैमटेसिया यूज कर रहा हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए, और एडिटिंग भी मैं कैमटेसिया में ही करके दिखाऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो उस तरह के स्टोरी बनाने के लिए पहले हमें उस तरह की स्टोरी चाहिए होगा, तो हम लोग जाएंगे इंटरनेट का यूज करेंगे, यानी गूगल का यूज करेंगे। वीवर ये लिख करके आपको सर्च करना है गूगल में। ठीक है, और उसके बाद आपके सामने जो ये वेबसाइट आएगा, फर्स्ट रिजल्ट आएगा storyweaver.org.in, आप इस पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, तो आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आप एक बेहतरीन खूबसूरत से वेबसाइट पे आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आते हैं पहाड़िए। पहाड़िए में जैसे आप आएंगे, आप पहाड़िए में जाइए या तो आप जो है रीड एनालॉग में जाइए। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन में से एक आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो रीड एनालॉग में जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ जो है फिल्टर
के लिए आपको कुछ चीज़ें आपको दिया गया है, तो यहाँ पे आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, भाषाएं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हिंदी करता हूँ, हिंदी मैंने सेलेक्ट कर लिया, और हिंदी सेलेक्ट करने के बाद मैं इधर साइड में कहीं पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद स्तर, यानी कि छोटे बच्चों के लिए है तो शायद कम शब्दों की कहानी लेना है 250 शब्दों के, अगर कुछ बड़े बच्चों के लिए आप बना रहे तो 600 शब्द, तो आप इस तरह से आप थोड़ा सा इसे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। श्रेणियाँ आप देख लेंगे, एक्टिविटी बुक्स, रहस्यमय रोमांच, जानवर की कहानियाँ, जीव कोई जो है बायोग्राफी है, परिवार और दोस्त की कहानियाँ, कल्पना की उड़ान, किस्से कहानियाँ, तो इस तरह से आपको यहाँ पे ढेर सारी कैटेगरी की जो है स्टोरी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप जिसमें से जो भी चीज़ें हो, तो आप इसमें से जो है हॉरर का स्टोरी भी है, डरावनी भी है, ठीक है, इसमें जो भी हो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कोई सा भी ले लेता हूँ, मान लिया कि मैंने ले लिया जीवन कौशल, ओके, यहाँ पे हम ले लेंगे। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो नीचे आप देख पा रहे हैं कि ये सारा कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे प्रकार, ठीक है, तो अगर आप पढ़िए लेते हैं तो सिर्फ आप उसे पढ़ सकते हैं, और अगर आप रीड एनालॉग लेते हैं तो ये क्या होगा कि ये आपको बोलना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको क्लिक करना है, यानी कि उसके बाद ये ऑटोमेटिक जो है शब्द जो है मतलब जो है बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं इन दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ, पढ़िए और रीड एनालॉग दोनों को सेलेक्ट करता हूँ और इधर साइड में क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए लोड हो रहे हैं हमारी कहानी जो भी हमने सेलेक्ट किया है उस तरह से। बाकी आपको यहाँ पे भी एक जो है कैटेगरी के हिसाब से, आप यहाँ पे भी बहुत सारे कैटेगरी के हिसाब से आपको मिल जाती है, ठीक है। पाठकों की पसंद, सबसे लोकप्रिय यानी सबसे पॉपुलर स्टोरी या फीचर का, नई कहानियाँ जो भी है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि तो इसके बाद हम लोगों के सामने कुछ इस तरह की स्टोरी आ जाता है, ओके। अब इसमें से अब हमें क्या करना है कि जैसे कि ये स्टोरी मान लिया हमें अच्छा लगता है, ठीक है, तो इस पर आप क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये एक स्टोरी आ गया जिसका टाइटल है आलू मालू कालू, ओके। तो आप चाहें तो इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, अगर आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आप इसे पीडीएफ को इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और फिर आप चाहें तो उसे अलग तरीके से भी यूज कर सकते हैं, ये जैसे कि OBS वगैरह पे आप उसे अच्छे से प्रेजेंट करके बना सकते हैं। उसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, ठीक है, कि हम वीडियो बना करके यूट्यूब से पैसे भी कमाएँ, मोनेटाइज करें अपने चैनल को। तो आपको कहानी पढ़ना है अपनी आवाज़ वीडियो में दे करके आपको बना, ओके। तो जैसे मैं कहानी पढ़िए पे मैं क्लिक करता हूँ तो इस तरह का यहाँ पे आ जाता है, और फिर आप इससे स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेंगे। हो सकता है मैंने एक वीडियो बनाया था पावर पॉइंट के थ्रू आप कैसे जो है स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो अगर आपके पास कोई स्क्रीन रिकॉर्डर नहीं है तो पावर पॉइंट से भी जो है आप इसमें स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ से आप इसे भगाते जाएंगे और इसमें आज जो है आवाज़ दे देंगे कि मालू आज पहली बार बगीचे में सब्जी तोड़ने गया। मालू ने तोड़े लाल टमाटर, लंबे बैंगन और हरी भरी भिंडी। दादी ने कहा, सावस मालू, जाओ थोड़े आलू भी ले आओ। मालू ने सारे पेड़ बेले और पौधे देखे, आलू कहीं दिखाई नहीं दिए। दादी, आलू अभी उगे नहीं, मालू ने खाली टोकरी रख दी। यानी इस तरह से आप इसमें अपने मधुर आवाज, अपने अच्छे प्रेजेंटेशन के हिसाब से आप इसे कहानी के तौर पे आप इसे रिकॉर्ड कर लेंगे और फिर ये वीडियो बन जाएगा। और फिर तो मैंने उस बताया ही था कि वो कैसे मीडिया प्लेयर बना करके और फिर जो है आप उसे फिर काइन मास्टर पे या किसी चीज़ पे आप जो है एडिटिंग करके और आप यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला तरीका तो ये होता है, ठीक है, जो कि आप YouTube चैनल पे अगर आप चाहते कि अर्निंग भी करें तो आप उस तरह से कर सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ बच्चों को शेयर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रीड एनालॉग है तो इसमें आपको बोलने की ज़रूरत नहीं होती है, ओके, इसमें आपको बोलने की ज़रूरत नहीं होता है। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक स्पीकर का सिम्बॉल आ जाता है और ये आपको खुद व खुद जो है, जैसे आपने डेमो वीडियो में देखा कि उसमें हम मेरा आवाज़ साउंड नहीं था, तो इसमें आप देखेंगे कि ये खुद व खुद जो है ये बोलता है, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे ऐसे बढ़ाते जाएंगे और यहाँ पे जैसे जैसे ये बोलते जाएगा और ये नीले कलर में जो है वर्ड सेलेक्ट होते जाएंगे, देखिए, ठीक है।
तो इस तरह से आप जो है वीडियो बना सकते हैं, इसका स्क्रीन रिकॉर्ड करके, चाहे तो आप अपने फ़ोन से भी आप करके बना सकते हैं, और फिर आप काइन मास्टर में एडिटिंग करके आप बेहतरीन क्वालिटी का वीडियो अपलोड कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आप जो है वीडियो बना सकते हैं। इसमें मैंने बस एक छोटा सा आपको गाइड किया है, तो यही दोस्तों एक ट्रिक था जिसके मदद से आप बेहतरीन वीडियो बना सकते हैं। यहाँ पे वेबसाइट से आपको सिर्फ जो है कहानी लेना है, ठीक है, और बाकी आपको कहानी यहाँ पे मिल जाएगा, बस आपको आवाज़ अपना खुद का देना है, ठीक है, और सारा चीज़ आपको खुद का देंगे, तो आप मोनेटाइज करके आप आराम से जो है पैसे कमा सकते हैं यूट्यूब से। लेकिन अगर आप सिर्फ स्टूडेंट को आप शेयर करना चाहते हैं, सिर्फ पढ़ाने के उद्देश्य से कर सकते हैं, या आप अगर स्कूल में अगर कोई डिजिटल क्लास चलता है आपका, तो आप इस तरह से प्रोजेक्टर पे इस कहानी को जो है प्रेजेंट कर सकते हैं और बच्चों को सुना सकते हैं, ठीक है, वो भी एनालॉग में, ठीक है, और इस तरह से ये करके आप इसे अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप टीचर कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, और हो सकता है कि इसमें आप अपना भी कुछ अलग तरीके से और अच्छा दिमाग बना लगा करके कुछ और बेहतरीन क्रिएट कर सकते हैं। तो सब क्योंकि सबकी अपनी अपनी स्किल होती है, अपनी अपनी नॉलेज होता है, ठीक है। तो चलिए सर, मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में, अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।